Galina Alam and you're watching my YouTube channel Style Makeup and Tips by Ellie. Guys, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये Maybelline New York की तरफ से Super Stay 24 Hour Foundation Full Coverage Foundation. मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है और बहुत सारे मेकअप लवर को मैंने इसे यूज़ करते देखा है और इसका तारीफ भी बहुत ज़्यादा सुना है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद यूज़ करके इसका भी रिव्यू दे दूँ. तो मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ, लगभग बहुत दिनों मतलब 2 महीना से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मैं आज इसका रिव्यू देने वाली हूँ. मैं चाहती तो बहुत पहले ही इसे ख़रीद के बस रिव्यू दे देती, बट नहीं, मैं चाहती थी कि मैं इसे यूज़ करूँ, इसे देखूँ कि मुझ पर कैसा लगता है और इसका स्टेइंग पावर को चेक करना, ये सब बहुत ज़रूरी है. तो मैंने इसे 2 महीना यूज़ किया है और वैसे तो 2 महीना यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं था, एक ही यूज़ में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना स्टे करता है कैसा नहीं है. तो मैं अभी इसका रिव्यू देने वाली हूँ. तो गाइस चलते हैं, इसका रिव्यू देख लेते हैं. और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब भी मैं वीडियो डालूँ. और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें. इसके आपको पैकेजिंग की बात करें तो ये ग्लास का बॉटल है और ये प्लास्टिक का ढक्कन है. यहाँ पर लिखा हुआ है Maybelline New York और सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. मेरा जो शेड है वो है 220 नेचुरल बेज और ये बिल्कुल मेरा ही स्किन टोन का है. ये क्लेम करता है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, 24 आवर वेयर, ऑयल कंट्रोल, शाइन फ्री, प्रेटेबल एंड कंफर्टेबल, स्वेट एंड सिबम रेजिस्टेंस, ऑयल फ्री, डज नॉट क्लॉक पोर्स, फेड एंड ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस. ओके, तो अभी हम लोग जो इसका डेमो जब देखेंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि ये कैसा लगता है. तो गाइज यही इसके पैकेजिंग में है और इसका जो प्राइस है वो है 750 रुपीज़ और इसका जो वेट है वो है 30 ml. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइमर लगा लेंगे, उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे. इसे हम हाथ में लेंगे, एक पंप मैंने ले लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश. पहले मैं से डॉट डॉट करूंगी. ये थोड़ा थिक है और ठीक होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं. मेरे फेस में काफ़ी एक्नेस है, ब्लैक स्पॉट्स है, बिल्कुल भी इसने हाइड कर दिया है. देख सकते हैं ये डार्क सर्कल्स हाइड होता है या नहीं, थोड़ा सा लेंगे फिर से और उसके बाद डार्क सर्कल में अप्लाई करेंगे और जहाँ पे भी मेरा एक्ने स्पॉट्स है वहाँ पे अप्लाई करेंगे. वाओ, इट्स अमेजिंग, इसने मेरा डार्क सर्कल को भी हाइड कर दिया है. गाइस इसका डेमो देखने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये फाउंडेशन कैसा है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस और ये फुल कवरेज भी है. मेरे सारे एक्ने मार्क्स को, सारे स्कार्स को, पिंपल्स, पिगमेंटेशन सबको, इनफैक्ट डार्क सर्कल को भी इसने हाइड कर दिया बहुत अच्छे से. और बहुत ज़्यादा थिक है तो ये थोड़ा कंसीलर का भी काम कर सकता है. अगर आप
आपके पास कंसीलर नहीं है और ये फाउंडेशन है तो आपका फाउंडेशन कंसीलर दोनों का काम हो सकता है इससे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फाउंडेशन, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आई होप सो। गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब भी मैं वीडियो डालूँ। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ गाइस मैं ये तो बोलना ही भूल गई कि ये कितने देर स्टे करता है। गाइस अगर इसमें लिखा हुआ है कि 24 आवर्स स्टेइंग है ना, तो 24 आवर तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई भी 24 आवर फाउंडेशन लगा कर घूमता नहीं है ऐसे, तो ये आप आराम से आपका 10 आवर्स तो चलेगा ही चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 10 आवर्स चलेगा। बाय गाइज़।